हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं NIOS एडमिशन के बारे में, जो कि स्ट्रीम टू के बारे में है। ओनली स्ट्रीम टू एडमिशन अभी ओपन है NIOS में, NIOS बोर्ड के अंदर ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो इसमें मोस्टली वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो बच्चे 10th या 12th में किसी भी बोर्ड से पहले फेल हो गए हैं या इस साल फेल हो गए हैं, वो बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो अभी एडमिशन चल रहे हैं तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलो अगर आप एक या दो सब्जेक्ट में या तीन सब्जेक्ट में या फिर ऑल सब्जेक्ट में फेल हो तो आप ऑल सब्जेक्ट के अभी एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना ही होता है अगर आप पहले से एक या दो सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो इसमें हमने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है स्ट्रीम टू एडमिशन ओपन 2022, ठीक है। तो आप इसमें प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। इसका वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो आप इसमें सारी जानकारी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे एडमिशन प्रोसेस करना है। तो वो मैं आपको वीडियो में भी बता देता हूँ। तो इसमें मोस्टली जो बच्चे जैसे कोई 10th में फेल है या 12th में फेल है तो उसको 10th हो या 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, ओरिजिनल मार्कशीट। अगर वो सब्जेक्ट का जैसे दूसरे सब्जेक्ट का नंबर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, मीन्स TOC करवाना चाहते हैं पहले पास हुए सब्जेक्ट का, पिछले बोर्ड से NIOS बोर्ड की मार्कशीट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं TOC, ठीक है। तो एडमिशन अभी चल रहे हैं, कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो तो हमें कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं तो हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। कोई भी आपकी क्वेरीज रहेगी तो उसके आपको सॉल्व किया जाएगा। सेकंड थिंग, जो बच्चे पहले 9th या फिर 11th में फेल हो गए हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, तो यहाँ पे आप ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 एडमिशन ओपन 2022-23, तो इसमें वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो बच्चे पहले 8वीं या 9वीं क्लास में फ़ेल हो गए हैं या फिर 11वीं में फ़ेल हो गए हैं पहले से किसी भी स्कूल से, ठीक है। तो वो रिपीट नहीं करना चाहते अपनी क्लास को, डायरेक्ट 10th या 12th करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी एडमिशन ओपन है। तो इसमें स्टूडेंट फेल 9th या 11th फेल स्टूडेंट ले सकते हैं मोस्टली, और इनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो नेक्स्ट ईयर होंगे मार्च अप्रैल 2023 में। उसका जो रिज़ल्ट आता है वो 1-1.5 महीने बाद में आता है, मीन्स जून तक आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसमें कोई भी कितना भी गैप ईयर हो किसी भी स्टूडेंट का और अभी वो अपने 10th और 12th कंप्लीट करना चाहते हैं अप्रैल में 2023 अप्रैल में एग्ज़ाम देकर, तो अभी एडमिशन उसके लिए ओपन है। आप हमें उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एडमिशन अभी चल रहे हैं, बाकी की जानकारी आप हमें कॉल पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।